हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे कि जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है, ऊपर सामने लिखा गया है BSPHCL, मतलब बिहार बिजली विभाग से एक बड़ी वैकेंसी आई है जिसका नाम है जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क, जिसके संदर्भ में मैं कल लेक्चर आपको एक छोटा सा वीडियो बना कर दिया था कि कितनी पोस्टें हैं। ये सारे डिटेल पिछले लेक्चर में मैं दे चुका हूँ। आज का हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारे पास 60 दिन का समय है, क्योंकि 60 दिन नहीं है, क्योंकि मई लास्ट और जून फर्स्ट वीक में एग्जाम होगा, तो लगभग लगभग है कि 2 से 3 महीने का आपके पास समय है। इस समय के बीच में कैसे तैयारी करें, इसके बारे में जानकारी आपको देंगे। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक देखिएगा। काफी बड़ा नहीं है, इसकी बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो नौकरी करना चाहते हैं, क्योंकि कॉमर्स के लिए बीकॉम पास वालों के लिए बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं आती है। तो हम आज के टॉपिक में जानेंगे कि 60 दिन में या 2 से 3 महीने के अंदर हम कैसे तैयारी करें। तैयारी करने से पहले सबसे पहले एक जानकारी देना चाहते हैं, थोड़ा हमारा आपका इंट्रोडक्शन हो जाए, कि मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और पिछले लगभग 19-20 साल से बीकॉम, जो ग्रेजुएशन है, बीकॉम वाले बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, और ऑनलाइन के फील्ड में लगभग 4 सालों से मैं ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। ऐसा इसलिए कि जो बच्चे बीकॉम पास कर ले रहे हैं उनको आगे चलकर जॉब की जरूरत पड़ेगी, नौकरी की जरूरत पड़ेगी, तो कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी आएगी तो उसकी तैयारी कराने के लिए आप लोग को ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर लाया गया। चलिए इंट्रोडक्शन हो गया, मुद्दे की बात करते हैं कि 60 दिनों में हम कैसे करें तैयारी, क्योंकि अभी से एकदम बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये आपका सुनहरा मौका है। कॉमर्स के वैकेंसियां बार बार नहीं आती हैं, क्योंकि कॉमर्स के कुछ गिने चुने पोस्ट हैं, जैसे मान लीजिए जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क का आ गया, ऑडिटर का आ गया, असिस्टेंट अकाउंटेंट का आ गया, या इससे रिलेटेड जो भी मतलब कुछ वैकेंसी होती है, बस वही बस आती है। अब रह गई बात की जो हमारे कल का जो एक छोटा सा वीडियो था जिसमें नोटिफिकेशन के संदर्भ में आपको बताया गया था, बहुत सारे बच्चे कमेंट किए कि सर इसके लिए कोर्स लाइए। तो ध्यान दीजिए, हम कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो चूंकि कोर्स, मेरा तो विचार था कि भाई यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पढ़ा दिया जाए, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन भी है और एप्लीकेशन पर पेड कोर्स चलता है। एप्लीकेशन का नाम जैसे कि जानते हैं कि बी आर कॉमर्स, ये हमारा एप्लीकेशन है, और यूट्यूब पे तो आप देख ही रहे हैं। मेरा वैसे विचार था कि यूट्यूब पर फ्री कोर्स आपको प्रोवाइड कर दिया, क्योंकि ऐप पर मैं नहीं सोच रहा हूं कि चलाने के लिए, ताकि बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी में लगे हुए हैं, क्योंकि ऐप पे ऑलरेडी कोर्स चल ही रहा है, तो यूट्यूब पे मैं सोच रहा हूं फ्री कोर्स चलाने के लिए। बहुत सारे बच्चों का डिमांड भी था कि सर यूट्यूब पे लाइए, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि भाई सर ऐप में लाइए जल्दी से कोर्स। तो मेरा जहां तक एम है कि मैं आप लोग को ये पूरा कोर्स यूट्यूब पे पढ़ा दूं, लेकिन इसके लिए एक कंडीशन है। कंडीशन यह है कि ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, कम से कम 100 यदि कमेंट आ जा रहा है, कितना 100 कमेंट्स, और उस कमेंट्स में यदि आप लिख रहे हैं कि सर यूट्यूब पे फ्री वीडियो चाहिए, मतलब फ्री लेक्चर ऐसे कहिए, कमेंट कर दीजिए। यदि 100 बच्चे तैयार हो जा रहे हैं कि यूट्यूब पे फ्री वीडियो चलाने के लिए, मतलब उस कोर्स प्रोवाइड करने के लिए, तो मैं यूट्यूब पे ही फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोग को पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एम है कि मैं जो भी बच्चों को पढ़ाया हूँ ग्रेजुएशन स्तर पर आज 19-20 सालों से, उन बच्चों को, बहुत सारे बच्चे को जॉब मिल गई है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि अभी जॉब की तैयारी में लगे हैं, तो उनको भी मतलब ऐसी अपॉर्चुनिटी का लाभ मिले और वो भी जल्दी से जॉब पा जाए। तो ध्यान दीजिएगा, 100 बच्चे कम से कम कमेंट होने चाहिए। यदि इतने बच्चे कमेंट वीडियो को कर दिए, और इसे अपने फ्रेंडों में भी थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि शेयर करेंगे रिस्पॉन्स यूट्यूब पर अच्छा आएगा, तो आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब बारी आती है कि सपोज करिए कि हमारा सिलेबस जो दिया गया है वो 6 पार्ट में डिवाइड है। 6 पार्ट में, जैसे कि मान लीजिए मैथ है, रीजनिंग है, ठीक ना, जीएस है, ऐसे ऐसे करके 6 पार्ट में, उसमें से जो लास्ट हमारा जो पार्ट है वो कॉमर्स का पार्ट है। किस चीज का है? कॉमर्स का पार्ट। कॉमर्स का जो पार्ट है उसमें जैसे कि आप लोग को सिलेबस देखे ही होंगे, सिलेबस के लिए एक अलग से वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। तो ये जो कॉमर्स का पार्ट है यही मैं पढ़ाऊंगा, ये ध्यान दीजिएगा, यही मैं पढ़ाऊंगा। ये मत हमसे सोचिएगा
कि हम जीएस पढ़ाएं, जीके पढ़ाएं, रीजनिंग पढ़ाएं, मैथ पढ़ाएं, ये सब नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है ना। ये सारी चीजें नहीं चलेंगी, इंग्लिश पढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सब आप कंपटीशन के फील्ड में लगे हैं तो ये ऑलरेडी आपका तैयार होगा, और नहीं तैयार है तो कोई साइड से बुक ले लीजिएगा, उसकी स्टडी करिएगा। मैं केवल वो चीज पढ़ाऊंगा जो कॉमर्स वाला है, जैसे कि मान लीजिए कंपनी अकाउंट है, कंपनी लॉ है, इनकम टैक्स है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह वगैरह जो भी दिया है, ये सारी चीजें हम केवल कॉमर्स वाला यूट्यूब पे आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़वा देंगे, ठीक है। अब बारी आती है हमारी कि जो हम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे तो कैसे पढ़ाएंगे, तो फ्री कोर्सेस में हमारा क्या रहेगा। सबसे पहले हम आपको वीडियो लेक्चर्स देंगे, वीडियो लेक्चर जो रहेगा वो टॉपिक वाइज रहेगा, समझ गए। सारे टॉपिक जितने भी आपके सिलेबस में दिए गए हैं वो सारे टॉपिक वन बाई वन करके मैं पढ़ा लूंगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ही एक टॉपिक समाप्त होगा, जैसे एक टॉपिक एंड हो रहा है, तो इससे रिलेटेड जितना एमसीक्यू क्वेश्चंस बनते हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चन टॉपिक वाइज मैं करा दूंगा। सपोज करिए कि मैं प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट का मैंने टॉपिक पढ़ा, तो जब वो थ्योरी उसका खत्म हो जाएगा तो उस पर जो भी 20, 25, 30 जो भी है एमसीक्यू बनते हैं तो वो मैं पढ़ा दूंगा। और जैसे ही हमारा ये कोर्स खत्म हो जाएगा, मतलब जो भी 10-12 टॉपिक दिए गए हैं वो खत्म हो जाएगा, तो मिक्स आपका कुछ प्रैक्टिस सेट करा देंगे। इस तरह आपका कॉमर्स का जो पार्ट है, किसका कॉमर्स का पार्ट है, ये आपका कंप्लीट होगा। बाकी आप तो जीएस, हिंदी, रीजनिंग, मैथ ये सब तो पढ़ सकते हैं। तो इस तरह कुल मिला के आप लोग की तैयारी ऐसे कराई जाएगी। अब कितने कितने बच्चों को पढ़ना है ऑनलाइन, एक चीज और बता दे रहा हूं, कोर्स बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कोर्स सर कब से स्टार्ट होगा, तो आपसे मैं बता दें सोमवार मतलब मंडे, ठीक ना। मंडे को ऐसे ही एक छोटा सा 10 मिनट का वीडियो जाएगा जिसमें आपका पूरा सिलेबस और प्लस हमारा जो टाइमिंग है कि कितने बजे से कोर्स चलेगा, मतलब क्लास हमारा चलेगा, डेली बाई डेली चलेगा, ये सारी डिटेल्स आपको मंडे के एक लेक्चर में मैं प्रोवाइड करूंगा। मतलब मुश्किल से 10-12 मिनट का रहेगा, उसमें आपको पूरा टाइमिंग इसका शेड्यूल मैं बता दूंगा कि कैसे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तब तक इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में जरूर से शेयर कर दे ताकि सारे लोग जान जाए और तैयार हो जाए, क्योंकि मैं पहले ही बता दिया जब आप लोगों का फ्री कोर्स चल रहा है तो, और वो भी किस पर, YouTube पे, तो जब YouTube पे चल रहा है तो भाई इस पर आप लोग का यदि रिस्पॉन्स आएगा तभी ना कोर्स चलेगा, तो रिस्पॉन्स आना चाहिए, बस इतना ही चाहिए। और बाकी आप लोग को टाइम टू टाइम आप लोग को वीडियो प्रोवाइड करके पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। एक चीज और बता रहे हैं, वैसे जहां तक कॉमर्स की बात है तो कॉमर्स में संभावना है कि लगभग 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चंस? 50 क्वेश्चन। तो भाई 50 क्वेश्चन की तैयारी आपको यूट्यूब पे करा दिया जाएगा, ठीक है। तो बस इसी तरह चैनल पर बने रहिए, एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। एक और जानकारी देना चाह रहे हैं, हाँ, लास्ट में जब सपोज करिए कि आपका 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक फॉर्म फिल करने का डेट है, फॉर्म फिल करने का डेट है, तो उसी के बीच मैं अपने एप्लीकेशन पर, ऐप पर, मैं आप लोग के लिए लाऊंगा मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट थोड़ा बहुत नहीं होगा, कम से कम लगभग 2000 प्लस क्वेश्चनों का लाएंगे। तब तक कोर्स आप लोग का कंप्लीट हो चुका रहेगा, मॉक टेस्ट देते रहिएगा, एग्जाम आप कॉमर्स का टेंशन बिल्कुल ना लीजिएगा, बाकी आप लोग तैयार कर लीजिएगा, कैसे करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी से मेहनत करिए, जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि समय बहुत कम है, क्योंकि समय एक न एक दिन बीतता जा रहा है। तो ठीक है, आपका दिन शुभ रात्रि, ऑल द बेस्ट। आज महाशिवरात्रि भी है तो एकदम मेहनत से करिए और एकदम परीक्षा के लिए जुट जाइए, क्योंकि बिना इंटरव्यू का आपको नौकरी मिलने वाला है। और सारे लोग फॉर्म भर लीजिएगा, क्योंकि फॉर्म का तो अभी 1 अप्रैल से डेट है। ऑल द बेस्ट, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बाय।